हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। आज के व्लॉग की शुरुआत बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि दिन की शुरुआत भी बहुत जल्दी हो रही है। वही बज रहे सुबह के 6:30 और मैं जा रहा हूँ जॉगिंग करने। यूजुअली मैं हर रोज़ सुबह जाता हूँ रनिंग करने, बट फ्रॉम लास्ट वन वीक आई वॉज नॉट गोइंग फॉर रनिंग। कुछ रीज़न से मैं नहीं जा पा रहा था और आज से रेगुलर स्टार्ट करूँगा रनिंग भी और वर्कआउट भी। सो अभी मैं जा रहा हूँ रनिंग करने, फिर मिलते हैं। नाउ आई एम डन विथ माई रनिंग एंड आई विल बी डूइंग माई वर्कआउट, बिकॉज मुझे पता है कि मैं आज दोपहर को 110% दोपहर को सो जाऊँगा, क्योंकि कल रात को भी मैं 2 बजे सोया था। आई डोंट नो वाई मेरे को नींद नहीं आई 2 बजे तक, और सुबह भी जल्दी 6 बजे उठा रनिंग करने के लिए। सो आई एम 100% श्योर कि मैं सो जाऊंगा, और दोपहर को सोने के बाद 4 बजे उठ के वर्कआउट करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चाय पीने की इच्छा होती है। सो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह साथ में वर्कआउट भी कंप्लीट कर लेता हूँ। सो ऐसा कुछ सामान है मेरे पास, इतने में मेरा काम चल जाता है। लाइक प्लेट है और थेराबैंड है और पानी का बॉटल बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरा अंडरग्राउंड पार्किंग है जहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ, और इतने कम वेट्स में मेरा हो जाता है क्योंकि ना ही मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो मेरे को स्ट्रेंथ या ऐसा कुछ स्ट्रेंथ बिल्ड करने की ज़रूरत है, और ना ही मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो मेरे को मसल बिल्ड करने की ऐसा कुछ नेसेसिटी है। सो आई जस्ट वॉन्ट बी हेल्दी एंड लुक गुड, तो मेरा इससे काम चल जाता है। और ये पार्किंग ने बहुत साथ दिया है मेरे को कि मैं पूरे लॉकडाउन में कोरोना के टाइम भी यहीं वर्कआउट करता, यहीं पे वर्कआउट करके कार्डियो करके मैंने अपना वेट लूज़ किया है। सो यही है मेरा सामान और इधर मैं वर्कआउट करता हूँ। सो लेट्स बिगिन द वर्कआउट नाउ। अभी आया हूँ रनिंग करके और अभी बॉडी गर्म है, तो आई थिंक नाउ इट्स द परफेक्ट टाइम टू डू एब्स वर्कआउट। सो आज मैं करूँगा एब्स वर्कआउट और थोड़ा बहुत कोर करूँगा। सो लेट्स बिगिन। इस व्लॉग एडिट हो चुका है जो अभी मैं अपलोड कर दूंगा, अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको एक्सपोर्ट होने में, बस जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा मैं इसको अपलोड पे लगा दूंगा और शायद आधे घंटे में अपलोड भी हो जाएगा। टू गेट एनरोल्ड इन द ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर वीज़ा एक्नॉलेजमेंट लेटर और इवन अ स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रूफ दैट दे हैव अपलोडेड वीज़ा फाइल ऑनलाइन। इन केस इफ दे डोंट हैव वीज़ा, इवन इफ द कॉलेज इज स्टार्टेड बट इफ स्टूडेंट्स हैव वीज़ा देन दे मस्ट बी सबमिटिंग देयर वीज़ा लेटर। सो दैट्स वाई आई वॉज चेकिंग माई कॉलेज मेल बॉक्स, बिकॉज आई सेंड देम माई वीज़ा एक्नॉलेजमेंट लेटर ऑन 27th of December, but and still I don't still I haven't got any response from the college. Maybe it is getting delayed due to Christmas holidays, but hopefully I will get soon the response. Or visa bhi nahi aaya abhi tak, to at least registration to ho jaye mera, to online padhna chalu kar saku. Or I don't know visa kab aayega yaar, almost 7 to 8 days ho gaya abhi tak visa nahi aaya, dekhte kab aata hai।
स्टे पॉजिटिव, स्टे नेगेटिव, कुछ भी हो बस, कुछ भी हो रहा हो बस, ठीक है चलो। यस ने इधर हक दिया है। यस बे भाग। माचिस हो गया। यस 10 बॉल में 15 रन, 10 बॉल में 15 रन चाहिए। चल यस बिब्बी, यस कैन यू डू इट? नो, गौर से देखो ये मोटे को, इसको रनर चाहिए। क्यों आता है भाई क्रिकेट खेलने? हैं मोटे साले, हैं खाली बैटिंग करनी है तेरे को? सात रन वाली वजह से तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। पे एंड करते हैं, होप आपको अच्छा लगा होगा। ये व्लॉग थोड़ा अलग है क्योंकि मैं पहले वीडियोस बनाया, मैंने 3-4 जो मैं घूमने गया हूँ या फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मेरे वीडियो के थ्रू, तो बेसिकली अलग इसलिए क्योंकि ये मैं जो डेली लाइफ में जो मैं करता हूँ, मेरा दिन कैसा जाता है उस पर मैंने व्लॉग बनाया, तो मेरे को नहीं पता आपको पसंद आएगा या नहीं। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक छोड़ के जाओ, फिर कमेंट में कुछ ना कुछ हार्ट या फिर कुछ ना कुछ लिख के जाओ, तो मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। और 50 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं और आगे भी ले जाना है, 100, 150, 200, 500, बहुत आगे जाना है। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जो भी देख रहे हैं लोग, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।